औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर पे सेफ़ एंड साउंड होंगे। आज हमारा इंग्लिश फिफ्थ क्लास की इंग्लिश का थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने थर्ड चैप्टर में सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसका नेम है द स्ट्रेंज कैटल, मतलब कि एक अनोखी केतली। इसकी मैं आपको इस चैप्टर की थीम बताऊँगी और आप इसकी रीडिंग अपनी मदर या ट्विटर की हेल्प से करेंगे और आज हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ये स्टोरी एक फैंटेसी स्टोरी है जिसमें एक लकड़हारा होता है जो बहुत ही मेहनती होता है और थोड़ा सा गरीब भी होता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि वो जंगल से अपना काम करके आ रहा होता है और बहुत खुश होता है कि उसने अपना जिंदगी जो अपना दिन है वो बहुत ही मेहनत से गुजारा है। जंगल में से गुजर रहा होता है तो उसे एक केतली, सुनहरी केतली मिलती है जो काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में। तो वो कहता है कि मैं ये अपनी बीवी को दूंगा केतली। वो उसमें अपना कुल्हाड़ा डालता है और उसे रस्सी की मदद से अपने ऊपर लादकर अपने घर ले आता है। उसकी बीवी देखकर केतली बहुत ज़्यादा खुश होती है और जब वो केतली के अंदर देखती हैं तो जो कुल्हाड़ा लकड़हारी ने उसके अंदर डाला होता है वो दो हो चुकी होती हैं। जब वो देखती हैं जो कुल्हाड़ा लकड़हारी में डाला होता है वो दो हो जाते हैं। उसकी बीवी कहती है कि तुम्हें केतली के साथ एक कुल्हाड़ा भी मिला है। तो लकड़हारा कहता है नहीं, मुझे तो कुल्हाड़ा नहीं मिला था, शायद ये कुल्हाड़ा यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन वो देखते देखते हैरान हो जाते हैं। जब वो लकड़हारा कुल्हाड़ा निकालने लगता है तो उसकी पगड़ी उसके अंदर गिर जाती है, केतली के अंदर। तो उसकी आंखों के सामने वो पगड़ी एक से दो में बदल जाती है और वो लोग बहुत हैरान होते हैं। उसकी बीवी बताती है कि मैंने थोड़ा सा आज खाना बनाया है, तो वो उस केतली में ना उसे डाल के टेस्ट करने के लिए उस खाने को केतली में डालते हैं। जब वो देखते हैं तो वो खाना भी डबल हो जाता है। फिर वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं अब तो हम अमीर हो जाएंगे। वो उनके पास एक थैली में कुछ सिक्के होते हैं तो वो सिक्के उस केतली में डालते हैं। देखते ही देखते वो डबल हो जाते हैं, फिर वो ट्रिपल करते हैं उन सिक्कों को। और ऐसे डालते डालते उनके घर में ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रहती जिसमें सिक्के मौजूद ना हो। हर बास्केट में, हर थैली में, हर टोकरी में ना वो सिक्के भर लेते हैं और वो कहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। इसी स्नान में जो लकड़हारा है वो अपनी बीवी को अपनी गोद में उठाता है और बड़ा खुश होता है कि हम तो बहुत अमीर हो गए, अब हम अपने लिए नया घर खरीदेंगे और नया बाग बनाएंगे। तो अभी वो उसने उठाया ही होता है कि जोश में आके उसकी जो बीवी है वो केतली के अंदर गिर जाती है। जब वो देखता है कि बीवी केतली के अंदर गिर गई तो अचानक से वो उसकी बीवी जो है वो दो हो जाती है। अब वो इतना हैरान होता है कि अब मेरे पास दो बीवियाँ हो गई हैं तो मैं क्या करूँगा। तो बीवी भी कहती है कि तुम दो बीवियाँ एक टाइम पर नहीं रख सकते। दोनों बीवियाँ मिलकर सोचती हैं कि अब हम क्या करें। दोनों एक एक तरफ से उसके बाजू पकड़ती हैं लकड़हारे के और वो उसके अंदर केतली के अंदर डाल देती हैं लकड़हारे को। उसके बाद वो देखती हैं कि लकड़हारे भी दो हो जाते हैं। तो अब वो कहते हैं कि अब हम खुशी खुशी रह सकते हैं कि तो लकड़हारा कहता है नहीं, ये हमारा घर छोटा है और हम चार लोग नहीं इसमें रह सकते। तो दोनों चलाक बीवियाँ जो होती हैं वो प्लान करती हैं कि आधी आधी दौलत हम लोग ले लेंगे और हम अपने अलग अलग घर बनाएंगे और अलग अलग बाग बनाएंगे। लेकिन लकड़हारे की बीवी जो होती है वो बहुत मेहनती होती है, मेहनत पसंद होती है। तो उसे एहसास होता है कि ये तो हम लालच कर रहे हैं। वो ऐसा करते हैं कि सुबह उठ के उस केतली को दोबारा से जंगल में रखाते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो हम अपनी मेहनत करना ही भूल जाएंगे, हम बहुत आराम तलब हो जाएंगे। ये इसका चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी रीडिंग करेंगे और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। और चैप्टर के लास्ट पे ये हुआ था कि जो लकड़हारा था वो उस केतली को दोबारा से जंगल में उसी जगह रखाया था जहाँ से वो उठा के लाया था। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड द वुडकटर फील व्हेन ही वाज कमिंग बैक फ्रॉम द वर्क। जब लकड़हारा काम से वापस आ रहा था तो उसने क्या महसूस किया। व्हेन द ओल्ड वुडकटर वाज कमिंग बैक फ्रॉम वर्क ही फेल्ट टायर्ड बट वॉज प्राउड दैट ही हैड कम्प्लीट हिज डे वर्क। वो बहुत ही थका हुआ था लेकिन उसे फ़ख्र था इस बात पर कि उसने अपने पूरे दिन का काम कर लिया है। केतली कहाँ पर थी। वेयर वॉज द कैटल लेइंग। कैटल कहाँ पड़ी थी। द कैटल वॉज लेइंग बिहाइंड अ बिग ट्री स्टेम। वो एक दरख्त की शाख के पीछे थी। डिड ही नो दैट द कैटल हैड मैजिक पावर्स। क्या वो जानता था कि केतली में जादुई ताकते हैं। नो ही डिड नॉट नो दैट द कैटल हैड मैजिक पावर्स। नहीं, वो नहीं जानता था कि केतली जादुई ताकतें रखती है।
वाई डिड दे पुट देयर मील इन टू द कैटल, उन्होंने अपना खाना केतली में क्यों रखा। दे पुट देयर मील इन टू द कैटल टू टेस्ट इट, उसे जांचने के लिए उन्होंने उसमें अपना खाना रखा। फिफ्थ वन है, व्हाट वाज देयर फर्स्ट डिज़ायर आफ्टर बिकमिंग रिच, उनकी अमीर बनने के बाद पहली ख्वाहिश क्या थी। द फर्स्ट डिज़ायर आफ्टर बिकमिंग रिच वाज टू आस्क समवन टू बिल्ड अ बिग हाउस एंड अ फाइन गार्डन फॉर देम, वो चाहते थे कि कोई उनके लिए एक बड़ा सा मकान और एक खूबसूरत सा बाग बनाए। व्हाई डिड द टू वुमेन टॉस द वुड कटर इन टू द कैटल, दोनों खवातीन ने लकड़हारे को केतली में क्यों फेंका। द टू वुमेन टॉस द वुड कटर इन टू द कैटल टू डबल हिम, उन्होंने लकड़हारे को डबल करने के लिए उस कैटल में डाला। डू यू थिंक द वुड कटर वॉज अ ग्रीडी पर्सन, क्या आपको ख्याल है कि लकड़हारा एक लालची आदमी था। नो द वुड कटर वॉज नॉट द ग्रीडी मैन एज ही रिटर्न द कैटल टू द फॉरेस्ट, क्योंकि वो वहाँ पे जंगल में उस केतली को दोबारा रखाया था इसलिए वो लालची नहीं था। व्हाई डिड द वुड कटर पुट द कैटल बैक इन टू द प्लेस इन द फॉरेस्ट, लकड़हारे ने केतली को दोबारा जंगल में इस जगह क्यों रख दिया। द वुड कटर पुट द कैटल बैक इन टू द प्लेस इन द फॉरेस्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू रिज्यूम हिज हार्ड वर्किंग लाइफ, क्योंकि वो अपनी मेहनत वाली ज़िंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता था जैसे गुजार रहा था। ये आपने अपना ग्रामर वर्क से करना है, पेज नंबर 255। उसके बाद आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, एमसीक्यूज़ भी जिसे कहते हैं, ये आप अपनी खुद चैप्टर की रीडिंग करके अपनी बुक पर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी होमवर्क की नोटबुक पे नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है आपका आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। वस्सलाम।